समझता हूँ पहली बार थोड़ी सी जो अच्छी जो रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी है वो मिलने जा रही है, और 3 और 4 के लिए बोला गया था पहले ही कि जो है ये एक्टिविटी रहेगी, 2 दिन प्रदेश में है और 3 को जो मेन एक्टिविटी वो 3 को ही है करता हूँ। तो ये जो है अनेक जगहों पर आपको हल्की से मध्यम जो है वर्षा है वो मिलेगी, और साथ में जो बर्फबारी भी है वो 3,000 साढ़े 3,000 मीटर या उससे ऊंचाई वाले जो जगह हैं उनमें आपको जो है स्नोफॉल एक्टिविटी भी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। एका दुक्का जगहों में जो अभी 24 आवर्स है उसमें जो है हेल भी कहीं दिख सकते हैं थोड़े बहुत, हालांकि बहुत ज़्यादा हेल हो या बहुत जगहों पे हो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ छुटपुट एक्टिविटी हेल की भी देखने को मिलेगी इन 24 आवर्स में। तो ये रेन जो है लाइट से मॉडरेट तक की रेन मिल जाएगी, और ये खासकर जो किसानों के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी जो है अच्छी रेन इस समय ये मिली है, तो जो उनको आपका सोइंग करना आगे जो फसल के लिए तो उसके लिए बहुत अच्छा ये है, ये मौका है। आगे जो रेनफॉल एक्टिविटी है पोस्ट मानसून सीजन में नवंबर मंथ में सबसे कम होती है, तो ये अच्छी इस पहले जो है मिल रही है, और रेनफॉल एक्टिविटी भी लाइट से मॉडरेट तक की जो मिल जाएगी जिससे कि आप सोइंग वगैरह जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कर पाएंगे, तो अच्छा अच्छा मौका उनके लिए भी है।